हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 बेसिक ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर्स में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो स्क्रीन सबसे पहले नजर आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप, और जो डेस्कटॉप पे हमें छोटी छोटी तस्वीरें नजर आती हैं उनको बोलते हैं आइकन्स, और जो डेस्कटॉप के बॉटम पे आपको लंबी सी बार नजर आती है उसको बोलते हैं टास्क बार। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला है स्क्रीन अपीयर्ड आफ्टर लॉगिन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। इसके ऑप्शंस हैं स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, टास्क बार, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सीपीयू से, तो बूटिंग के बाद जो सबसे पहले आपको स्क्रीन नजर आ रही है, सामने आप देख रहे हो, वो क्या है? डेस्कटॉप। नंबर टू, ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। ऑप्शंस है माय कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रिसाइकल बिन। जब हम कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में। जैसे हमारे मोबाइल में आजकल फीचर होता है कि अगर हम कोई फोटो डिलीट करते हैं, कोई डाटा डिलीट करते हैं, वो कहाँ जाता है? ट्रैश फोल्डर में। उसी तरह हमारे जो विंडोज एनवायरनमेंट है कंप्यूटर का, उसमें एक रिसाइकल बिन फोल्डर होता है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। नंबर थ्री, विच पार्ट ऑफ विंडो रिमेन्स विजिबल ऑल द टाइम व्हेन वी यूज अदर एप्लीकेशंस। इसके ऑप्शंस हैं रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप, टास्क बार, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है टास्क बार। मींस कि विंडो का कौन सा पार्ट है जो हर टाइम विजिबल रहता है जब हम दूसरी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, वो होती है टास्क बार। टास्क बार आपको नीचे नजर आ रही है पिक्चर में, ये लंबी बार जो होती है टास्क बार होती है। इसमें स्टार्ट बटन, इसके अलावा राइट साइड पे आपको डेट और टाइम भी नजर आता है। तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस ओपन होती है वो सारी की सारी हम टास्क बार पर मिनिएचर फॉर्म में देख सकते हैं। नंबर चार, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। इसके ऑप्शंस है विंडोज, एंड्रॉइड, डोस, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि विंडोज चाहे एक्सपी है, चाहे 7 है, 8 है, या 10 है, या 11 है, वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड हमारे मोबाइल में यूज होता है, और डोस सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप नीचे देख सकते हो एमएस डोस का आइकन नजर आ रहा है, देन विंडोज का, और लास्ट में एंड्रॉइड का। फिफ्थ है, टू ओपन ए फाइल वी कैन डबल क्लिक ऑन। किसी भी फाइल को डबल क्लिक करने के लिए आप क्या करते हैं? नंबर ए ऑप्शन है फाइल इटसेल्फ, बी ऑप्शन है शॉर्टकट ऑफ फाइल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। जब आप किसी फाइल को क्लिक करना चाहते हो तो फाइल पे भी क्लिक कर सकते हो और उसकी शॉर्टकट पे भी क्लिक कर सकते हो। जो फाइल है वो ओरिजिनल फाइल होती है, जो फाइल का शॉर्टकट होता है उसकी लिंक फाइल होती है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड डैश। ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स आपको डेस्कटॉप पे नजर आती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आइकन्स। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो डेस्कटॉप पे आपको काफी फोटो नजर आती है, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, गूगल क्रोम। ये आपको जो आइकन नजर आते हैं ये आपकी पिक्चर्स होती हैं जो प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नंबर टू, डैश इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे बीच जो इंटरफेस का काम करता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एमएस डॉस, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, या एंड्रॉइड। नंबर थ्री, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में यूज होता है? तो इसका आंसर है एंड्रॉइड। आपका जो स्मार्टफोन है
कभी उसको रिस्टार्ट करके देखना, नीचे उसका आइकन नजर आता है, वो क्या लिखा आता है, एंड्रॉइड। मींस जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स में यूज होता है और जो गूगल की तरफ से तैयार किया गया है। नंबर चार, डैश इज एन आइकन दैट रिप्रेजेंट्स ए लिंक टू ए प्रोग्राम। ठीक, वो कौन सा आइकन होता है जो किसी प्रोग्राम के लिंक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर है शॉर्टकट। जब हम कोई फाइल या फोल्डर तैयार करते हैं वो ओरिजिनल फाइल होती है, जब उसका कोई शॉर्टकट तैयार करते हैं या लिंक तैयार करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्टकट। फिफ्थ, डैश इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो इसका आंसर है नोटपैड। नोटपैड आप स्टार्ट पे जाके देख सकते हो, सर्च पे टाइप करोगे नोटपैड बिल्कुल ब्लैक एंड विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप सिंपल टाइपिंग कर सकते हो। सो नोटपैड आपका क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर, चाहे विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, उसमें नोटपैड आप आसानी से यूज कर सकते हो सिंपल टाइपिंग करने के लिए। आगे हैं ट्रू फॉल्स। सो पहला है, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कि विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है, ये बिल्कुल सही है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका ओनर कौन है, इसके ओनर है बिल गेट्स। नंबर टू, डॉस प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस जीजीयूआई फॉर वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम। जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जो डॉस है उसके अंदर सीजीयूआई यूज होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। जीजीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर माउस यूज हो वो जीजीयूआई होता है और जिसके अंदर सिर्फ कीबोर्ड यूज हो सीजीयूआई होता है। तो जो डॉस है वो सीजीयूआई बेस्ड है ना कि जीजीयूआई बेस्ड। नंबर थ्री, टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो टास्क बार होती है वो आपको टॉप पे दिखाई देती है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जो टास्क बार है ये आपको डेस्कटॉप पे सबसे बॉटम पे दिखाई देती है। नंबर चार, वी कैन क्रिएट ड्राइंग्स यूजिंग नोटपैड। कि नोटपैड के अंदर हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जो ड्राइंग है वो पेंट में बनती है ना कि नोटपैड में। नोटपैड में हम सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं और जो नोटपैड है दैट इज ए टेक्स्ट एडिटर। नंबर पांच, वॉलपेपर इज ए पिक्चर डिस्प्लेइंग एट द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये वॉलपेपर एक पिक्चर होती है जो आपको डेस्कटॉप की बैकग्राउंड पे दिखाई देती है, ये बिल्कुल सही है। जैसे आप नया मोबाइल लेते हो उसके पीछे कोई ब्लू, ब्लैक या रेड कोई कलर की स्क्रीन दिखाई देती है, वो वॉलपेपर है। और बाद में आप अपनी कोई फोटो लगा सकते हो तो वो क्या होता है, वॉलपेपर। उसी तरह कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे भी जो हम बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाते हैं उसको बोलते हैं वॉलपेपर। नंबर सिक्स, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर का बटन सीपीयू से ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं बूटिंग, तो ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बारी फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।